दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया एक और नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, एक नया ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, विदाउट एनी चार्जेस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि ट्रिक ऐसी है उसमें कुछ ऐसे एक आध पॉइंट मिस हो गई तो आपका चार्जेस कटना ही कटना है। इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा विनती करता हूँ कि आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हो और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एक और नया तरीका। दोस्तों सभी को पता है कि पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रेंट पे का ऑप्शन दे दिया है और वहाँ पे आप लोगों को 2% का चार्जेस लग रहा है, लेकिन यही तरीके को हम यूज़ करके 0% चार्जेस के साथ अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले। लेकिन 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 वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कर दूँ, अब तक आप लोगों ने क्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, सभी को क्रेड एप्लीकेशन के बारे में पता ही होगा, जिन भाई को पता नहीं होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, बहुत सारे वीडियो पड़े अपने चैनल के ऊपर क्रेड एप्लीकेशन से रिलेटेड। पहली बार के लिए बिल पेमेंट के ऊपर आपको मिलता है 2% का कैशबैक अप टू 1000 रुपीज़। तो कमाल की बात है ना, आपके पहले बिल के ऊपर आपको 1000 का कैशबैक मिलने वाला है, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो ये रहेगा 2% के हिसाब से। यदि आप 10,000 का पेमेंट करते हो तो आपको 200 रुपये मिलेगा, यदि आप 50,000 का पेमेंट करते हो तो 1000 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन ये आपको अकेले को नहीं मिलेगा, ये मुझे भी मिलेगा। तो दोस्तों आपको और आपके फ्रेंड को कमाना है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करो, उनको भी मिलेगा, आपको मिलेगा, खाओ और खिलाओ, ये वो टाइप का एक कंसेप्ट है। ओके तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एस पे वॉलेट सभी को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों के पैसे यहाँ पे फंसे हुए होंगे, तो उन भाइयों के लिए एक मौका आ गया है कि अपने फंसे हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेने का। तो कैसे लेना है सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एस पे वॉलेट को ओपन करना है, यहाँ पे फंड ऐड करना है। सभी को पता है क्रेडिट कार्ड से यहाँ फंड ऐड होता है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, थोड़ा पाउच करके मैं यहाँ पे फंड ऐड कर लेता हूँ या करके दिखा दूँ, कोई बात नहीं करके दिखा दे दो। यहाँ पर मैं 1000 रुपीज़ ऐड करूँगा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा जो रजिस्टर्ड क्रेडिट कार्ड है, वो 2 क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैं उनको नहीं यूज़ करूँगा, मैं अनदर वाला अमेज़न का यूज़ करूँगा, क्योंकि अमेज़न पे मुझे 1% का कैशबैक भी आ जाता है, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा कैशबैक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी कार्ड आप यूज़ करोगे तो आपको चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों मैं पाउच करके यहाँ पे 1000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कार्ड के डिटेल एंटर कर दिया हूँ, यहाँ पे लोड मनी के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऐड होगा और वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कभी कभी यहाँ पे OTP को आने में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आपको दोबारा ये करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये कर लिया है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे मुझे OTP आ चुके हैं, OTP 3369122336912। OTP इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ, राइट है OTP, और यहाँ पे मैं सबमिट क्लिक कर दूंगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आई होप मेरे 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 रुपीज़ मेरे ऐड हो चुके हैं एज़ पर प्रोसेस, क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने ऐड कर लिया मेरे इस अकाउंट पे। यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, आपको यहाँ पे आप लोगों को एक कार्ड मिलता है। ओके तो उस कार्ड को यूज़ करके आपको अभी पेमेंट करना है अपने पेटीएम के अकाउंट के ऊपर। मैं थोड़ा पाउज करके आपको रिकॉर्डिंग करके देखूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेरे मोबाइल के ऊपर पेटीएम को ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे आपको अभी आ जाना है नीचे। तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे ऑल सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ऑल सर्विस के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा मंथली पेमेंट का, तो मंथली पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर, मंथली बिल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और वहाँ पर आप लोगों को रेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसे क्लिक करोगे रेंट वाले ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें फिल कर देना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोगों को आपके रेंट के ऊपर प्रोसीड कर देना है, नो थैंक्स करूँगा, ओके कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा इशू ये है कि मोबाइल के ऊपर हमें रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स फिल कर देना है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट वगैरह। ओके तो थोड़ा मैं पाउच कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर दिया हूँ, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे करूंगा, और आगे आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, तो यहाँ पे मैं दोबारा पाउच करके अकाउंट नंबर कन्फर्म कर लेता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर कंफर्म करूंगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद और एक बार मैं प्रोसीड करूंगा, यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करने को बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। वो करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ ऑफर है क्या, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक आपको लकी 100 दिखा रहा है, 200 उसको चिपका देंगे और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू पे करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप ये करोगे तो आपको चार्जेस दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिखा दूँ तो उस पर चार्जेस दिखा, लेकिन आपको अभी डेबिट कार्ड के ऑप्शन को क्लिक करना है। डेबिट कार्ड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स फिल कर देना है। जैसे कि आप डेबिट कार्ड का डिटेल्स जो अपना एसपे का वॉलेट का जो डेबिट कार्ड है उसका डिटेल फिल कर दूंगा और थोड़ा पाउच करके आता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दिया हूँ कार्ड का और अभी पे के ऊपर क्लिक करूंगा। 1000 रुपीज ही वहाँ पे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे OTP आएगा मुझे। OTP आने के बाद मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा। यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद आपको भी पता है कि ये करना है, ओके। तो यहाँ पे OTP के ऊपर क्लिक करना है। OTP आने के बाद आपको OTP इंटर कर देना है, तो थोड़ा मैं पाउच करके OTP डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो अब यहाँ पे मैंने OTP इंटर कर दिया और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ओके, OTP इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं OTP सबमिट करता हूँ। OTP सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने होगा, यहाँ पे OTP सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड नाम का कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मे बी ट्रांजेक्शन हो चुका होगा, तो थोड़ा मैं बैक करके ये कर लूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि ये 2 बार ट्रांजेक्शन हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे मेरे अमाउंट डिडक्ट हो चुके हैं, इसका मुझे मैसेज आ चुका है, तो थोड़ा मैं पाउच करके चेक कर लेता हूँ कि क्या होता है, ओके। तो दोस्तों 2 बार OTP इंटर होने की वजह से वहां पे आपको डुप्लीकेट एंट्री दिखाई दे रहा था, तो कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेस हो चुका है और विद इन 2 और 3 वर्किंग डेज के अंदर हमें ये पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कल एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। इस पे आपको चार्जेस नहीं लगना है और नहीं लगेगा और नहीं लगा भी है, ओके। यदि लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।